हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू लर्निंग विद एसआर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख के जान ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्टून लोगो फोटो एडिटिंग। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए अगर आपको सीखना है कि नॉर्मल फ़ोटो को कार्टून लोगो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है गाइस। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो को पिक्सआर्ट में ओपन करना है और अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को इरेज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, बहुत ही आसानी से आप भी इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस हमारे फ़ोटो को पीएनजी में कन्वर्ट करके स्टिकर में सेव कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ भी छूट गया है उस जगह को सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। और यहाँ पर फ़ोटो का बैकग्राउंड हो चुका है इरेज गाइस, इसको हम सेव कर लेंगे स्टिकर्स में। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे तो हमारे पिक्सआर्ट के स्टिकर ऑप्शन में ये हो जाएगा सेव। और इसके बाद हमें अपना ऐप ओपन करना है, पिक्सआर्ट ऐप। तो अगर आप अपना पिक्सआर्ट ऐप अपडेट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से अपडेटेड ऐप वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, एंड इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, बैकग्राउंड्स यहाँ पर नीचे दिखेगा, आपको सेलेक्ट करना है एम्प्टी बैकग्राउंड, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा, पीएनजी है ये समझ लीजिए आप। तो आपको ये ओपन करना है लेयर, और फिर ड्रॉ टूल में जाना है गाइस। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है एक राउंड सर्कल येलो कलर का। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट टूल और इसको कर लेंगे फिल, और फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे येलो कलर में। ठीक है, यहाँ से आप भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए। देखिए यहाँ पे ये बन चुका है सर्कल येलो कलर का, तो ये बन चुका है गाइस। तो इसको हम कर लेंगे ओके। और अब इस सर्कल में हम देंगे आउटर लाइन जो कि होगा ब्लैक कलर का। सो ऑब्जेक्ट्स में फिर से आना है और जो फील है उसको कर देना है स्ट्रोक। तो देखिए यहाँ पे आउटलाइन यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे सर्कल में। तो आप अच्छी तरीके से करना गाइस, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा थोड़ा बिगड़ जाता है जल्दी जल्दी में। तो इसको कर लेते हैं ओके, और फिर जाते हैं हमारे स्टिकर टूल में। चलिए गाइस स्टिकर टूल में जाएंगे और स्टिकर से हम सेलेक्ट करेंगे अपना पीएनजी जो हमने अभी इरेज किया है अपना बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टिकर को सेलेक्ट करेंगे, माई स्टिकर्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पीएनजी आपको मिल जाएगा, इसको आपको ऐड कर लेना है अपने जो सर्कल बनाया उसमें। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए ठीक से। सो गाइस यहाँ पे जो सर्कल के बाहर है उसको हम कर लेंगे इरेज, क्योंकि वो ठीक नहीं दिखेगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ओपेसिटी लो कर दीजिए, इससे पता चलेगा कि इरेज सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो जल्दी से इसको इरेज कर लेते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बाहर में जो निकल चुका है फ़ोटो उसको हम इरेज कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पे आउटर लाइन जो दिए थे हम, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था जल्दी जल्दी में। तो आप अगर आउटलाइन दीजिए सर्कल में तो अच्छी तरीके से देख लेना। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हो चुका है ये इरेज। इस अभी का जो पार्ट है वो सबसे मेन चीज़ है इस फोटो एडिटिंग में, तो इसको ज़रूर देखिएगा। इस ये नहीं देखेंगे तो आपका कार्टून इफेक्ट है जो वो नहीं आएगा। तो इफ़ेक्ट में आ जाना है, इफ़ेक्ट में आने के बाद स्केच को सेलेक्ट करना है जैसे कि आप देख सकते हैं, और स्केच का जो फर्स्ट स्केच है उसको सेलेक्ट करना है गाइस। और फिर एडजस्ट में आ जाना है, हॉरिजॉन्टल जो है उसको कर देना है जीरो, जो माइनस है उसको जीरो कर देना है, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको जीरो कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस। तो ये वाइट रहता है उसको सेलेक्ट करना है ब्लैक, तो आउटलाइन ये दिखेगा वेक्टर आर्ट के टाइप। ठीक है, इस और ये लाइन जो होता है वो ज़्यादा मोटा होता है तो उसको हम कर लेंगे थोड़ा पतला, और इसको आपके फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट करना, इरेज कर लेना अगर आपको अच्छा नहीं दिखे तो। सो गाइस जो स्केच हुआ है उसको आप अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लाइनिंग आपको ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रख लेना,
अगर आपको माइनस करना है तो माइनस कर देना, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना है आर्टिस्टिक इफेक्ट में जाना है, फिर से इफेक्ट्स में जाना है, आर्टिस्टिक ऑप्शन में जाना है और यहाँ सेलेक्ट करना है कॉमिक इफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इफेक्ट सेलेक्ट करना है आपको, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोटो हो चुका है कार्टून में कन्वर्ट, ठीक है, कार्टून में कन्वर्ट हो चुका है। इसको भी एडजस्ट कर लीजिए, लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज करके देखिए अपने फोटो के हिसाब से। सो गाइस जो हमारा ये इफेक्ट है उसको आपको एडजस्ट करना है, लाइंस को देख लेना है इंक्रीज डिक्रीज आपके फ़ोटो के हिसाब से, और अगर आपका फ़ोटो ज़्यादा ब्राइटनेस है तो उसको डिक्रीज कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एडजस्ट करूँगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी एडजस्ट करना है। उसके बाद अगर आपके फ़ोटो में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कार्टूनाइज करने पर अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसको आप इरेज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा गाइस, ठीक है, तो उसको इरेज कर लीजिएगा। अभी हम करेंगे इरेज, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें कुछ अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा था तो इसको मैंने इरेस किया, यहाँ पे इरेस करना ही सही होगा, तो इरेस करने से ये और भी अच्छा दिख रहा है गाइस। तो आपके ही फ़ोटो में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप इरेस करना चाहते हैं उसको आप इरेस कर सकते हैं, उससे आपका फ़ोटो और भी अच्छा दिखने लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस हमारा जो फ़ोटो है 90% रेडी हो चुका है गाइस। तो अब हमें अपने फ़ोटो में हेयर ऐड करना है, अगर आप को करना होगा तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में ही सही लग रहा है फ़ोटो। तो हमारे इस वाले लोगो में हम कर लेंगे हेयर एड, ठीक है गाइस। तो ये PNG आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूं, तो इसको भी लगाने का तरीका देख लीजिए आप, इस तरह से ऐड कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए और इसका जो बाकी नीचे का हिस्सा है उसको आप इरेज कर सकते हैं। सो गाइस हेयर PNG तो आपको लगाना आता ही होगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा समय ना जाए, वैसे भी 7 मिनट हो चुके हैं, तो इसको जल्दी से ऐड करके मतलब फिट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे ऐड हो चुका है और इसका जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट ये सब है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। सो गाइस इमेज का सेचुरेशन लो है और हेयर का भी लो कर देंगे तो उसके कलर में मैच हो जाएगा, तो ये और भी ऑसम लगेगा। तो ठीक है इसको भी सेचुरेशन लो कर देते हैं, हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, शेडोज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ऑसम दिख रहा है ये हमारा लोगो, और इसको कर देंगे हम ओके। और अब बनाना है इसका शेडो, और शेडो बनाने के लिए हमें हमारा यही PNG ऐड करना होगा अपने लोगो में। तो चलिए स्टिकर में जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टिकर का ऑप्शन, स्टिकर में जाके यही PNG हम ऐड कर लेंगे फिर से, ठीक है गाइस। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो हमने PNG ऐड कर लिया यहाँ पे, अब इसको क्या करना है आपको देखना है ध्यान से। अब इसको हमें शैडो बनाना है, तो शैडो बनाने के लिए इसको होना है ब्लैक कलर। तो ब्लैक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ओपेसिटी थोड़ा लो कर देंगे और फिर एडजस्ट कर लेंगे कि कहाँ पे हमें अपना शैडो बनाना है। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से देख लेना आपको कहाँ पे शैडो बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद ओपेसिटी लो करके आप देखिए कि शैडो कहाँ बनाना है और इसको उस एरिया में फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद एडजस्ट में जाइए, और क्योंकि हमें इसको करना है ब्लैक कलर तो ब्राइटनेस लो कर दीजिए, कंट्रास्ट हाई कर दीजिए। यही स्टेप बार बार कीजिए जब तक ये पूरी तरह से ब्लैक नहीं हो जाता गाइस, ठीक है। ब्राइटनेस लो करना है, कंट्रास्ट हाई करना है, फिर ब्राइटनेस लो, फिर कंट्रास्ट हाई, और शैडो को भी लो करना है गाइस, हाईलाइट भी लो कर देना है, ठीक है। और अब ये शैडो हो चुका है रेडी, इसको कर लीजिए आप ओपेसिटी लो, एडजस्ट कर लीजिए उस जगह पे जहाँ पे आपको शैडो चाहिए, और ओपेसिटी लो कर दीजिए और फिर इसको कर दीजिए ड्रॉ, जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे अभी, देखते जाइए। सेलेक्ट कीजिए इरेजर टूल और फिर यहाँ पे कर दीजिए ड्रॉ जो हमारा शैडो है उसको। सो गाइस इसमें चलाते हैं हमारा ब्रश और इसको कर लेते हैं ड्रॉ। थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ गाइस वीडियो को ताकि ज़्यादा समय ना जाए। अब गाइस आपको देखना है कि आपके लोगो में कहाँ कहाँ मिस्टेक है। तो मेरा जैसे कि यहाँ पे लोगो है सर्कल के नीचे में मिस्टेक है, जो मैं लाइन दिया था वो थोड़ा सा छूट गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जाएंगे ड्रॉ टूल में, तो चलिए ड्रॉ टूल में जाते हैं और इसको सही कर लेते हैं गाइस। तो आपको भी देखना है
आप जब बनाते हैं अपना अपना लोगो और उसमें देते हैं आउटलाइन, तो देख लीजिएगा आपके में कोई मिस्टेक ना हो। और यह हमारा लोगो जो है कार्टून लोगो रेडी हो चुका है। अब आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शेडो, हाईलाइट अपने फ़ोटो के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं या लो चाहते हैं ब्राइटनेस, तो जैसे कि रेडी हो चुका है सेचुरेशन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मुझे जहाँ तक ये फ़ोटो रेडी हो चुका है लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सेचुरेशन। ठीक है, तो एडजस्ट में जाएंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइस, जैसे कि कार्टून लोगो हो चुका है यहाँ पे रेड। तो अगर आपको ये वीडियो और ये कार्टून लोगो एडिटिंग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में इस तरह के इंटरेस्टिंग एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।